टाइप्स ऑफ एंगल्स, ये अगर दो लाइन है पैरेलल भी हो सकती है और बिना पैरेलल भी हो सकती है, उसको अगर इस तरीके से कोई लाइन काटती है, ये लाइन है, ये लाइन पैरेलल नहीं है। अभी हम पैरेलल लाइंस के बारे में बात करेंगे। अगर मान लो दो लाइन पैरेलल है, पैरेलल का मतलब यहाँ और यहाँ डिस्टेंस, यहाँ और यहाँ का डिस्टेंस इक्वल है, तो वो लाइन क्या होगी? पैरेलल होगी। तो पैरेलल लाइन समझ में आ जानी चाहिए। तो अभी मैं पैरेलल लाइंस के ऊपर ही कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। एक्सटीरियर एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला, दो पैरेलल लाइन है, तो ये और ये, और ये वाला एंगल एक्सटीरियर एंगल है। अगर इसका नाम देना, जैसे ए ओ बी सी डी ई एफ, और इसको जी दे दिया मान लो, तो ए ओ सी, सी ओ बी, और एफ जी ई, और डी जी एफ, ये एक्सटीरियर एंगल है। और इंटीरियर एंगल्स कौन से होंगे? ये वाले, ये दो पैरेलल लाइन है, इसको ट्रांसवर्सल काट रही है, ये ट्रांसवर्सल। इस तिरछी लाइन को क्या कहेंगे? कोई सी भी लाइन, तिरछी भी हो सकती है, यों भी हो सकती है, यों भी हो सकती है, लेकिन ये इसको काट रही, कैसी भी हो सकती है, सीधी स्ट्रेट होनी चाहिए। अगर काट रही है तो वो, उसको हम क्या कहेंगे? ट्रांसवर्सल। ये वाली लाइन ट्रांसवर्सल है। जैसे ए बी सी डी ई एफ, सी डी और ई एफ टू पैरेलल लाइंस, एंड ए बी इज ए ट्रांसवर्सल, ठीक है, इंटरसेक्ट एट टू पॉइंट। टू पॉइंट क्या भी ले सकते हैं अपन, जी और एच, ये तो आपका सी एच जी और डी एच जी और एफ जी एच और ई जी एच, ये इंटीरियर एंगल हो गए, ये वाले, इनको हम इंटीरियर एंगल्स कहेंगे। तो जब एक्सटीरियर की बात करूँगा तो एक्सटीरियर बाहर की तरफ, इसके ये अंदर का एरिया हो गया, और ये वाला एरिया बाहर का एरिया हो गया, ये अंदर के एरिया के एंगल्स ये रहेंगे। अब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स किसको कहते हैं? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स में क्या होता है, जैसे ये टू पैरेलल लाइंस है, एक ही तरफ ये और एक ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, समझ लो एफ, एफ से समझ में आ जाएगा, ये एफ यों भी हो सकता है, यानी ये और ये, एफ यों भी हो सकता है, ये और ये, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या हैं? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। एफ यों भी हो सकता है उल्टा, ये और ये, तो ये सारे के सारे एफ, एफ से समझ लो ये और ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग ये और ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गया। अब इसमें एफ कैसा बना हुआ है? एफ ऐसा बना हुआ है इस वाले में। अब ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, इसमें एफ कैसा बना हुआ है? यूँ, ये एफ याद करने के लिए बता रहा हूँ मैं, ये और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इसको अगर नाम दे दे मैं ए बी सी डी, ठीक है, ई एफ जी और एच, तो ए एच जी और सी एच एफ आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। करस्पॉन्डिंग एंगल्स के अंदर एक थ्योरम है, वो ये है कि अगर ये लाइन दोनों पहले ए बी और सी डी पैरेलल है तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे। अब जैसे ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, अगर इनके नाम है जैसे, तो जैसे कि बी एच बी जी एच और डी एच एफ, ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। और अगर ये लाइन पैरेलल है, ए बी और सी डी पैरेलल है, तो ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। और अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर इक्वल हैं तो ये लाइन पैरेलल होंगी, मतलब दोनों तरफ। ये है कि अगर ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, जैसे ये वाला, इसमें एफ कैसा बन रहा है? ये इस तरीके से देखना, इसमें कैसा बन रहा है? इसमें ये सा। तो ये इफ़ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन लाइन्स आर पैरेलल, और इफ़ लाइन्स आर पैरेलल देन करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ये चीज़ होगी। ये आपके इफ़ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स इज इक्वल, ये ट्रांसवर्सल मैंने बता दिया था, ये ट्रांसवर्सल है। ये लाइन जो है, ये दो पैरेलल लाइंस को काट रही है, तो इसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। इफ़ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस सच दैट अ पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स इज इक्वल देन द टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, अगर दोनों इक्वल है, ये वाला और ये वाला करस्पॉन्डिंग एंगल्स यही और यही रहेगा। अगर ये है तो इधर है, तो इसका करस्पॉन्डिंग एंगल यही रहेगा, मैंने बता दिया था एफ से, ये है तो यही रहेगा। अब जैसे ये है, तो मैंने फिर एफ से बता दिया था, ये इसका यही रहेगा, इसका करस्पॉन्डिंग यही रहेगा। अगर
दोनों इक्वल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, तो लाइंस पैरेलल रहेगी, और लाइंस पैरेलल है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल रहेंगे। ये ध्यान में रख लेना, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स पहचानने की तरकीब बताई है मैंने एफ से, इस तरह से, इस वाले में इस तरह से एफ लग रहा है, इस वाले में इस तरीके से एफ लग रहा है, यानी ये सिर्फ इतना इतना सा पार्ट कह रहा हूँ, ये एफ, इसमें सिर्फ ये है तो इसका ये, इसमें ये, इधर ये, तो ये अल्टरनेट एंगल। पहला तो लेते हैं एक्सटीरियर, फिर उसके बाद में लेंगे इंटीरियर। अल्टरनेट का मतलब होता है एक इस तरफ तो दूसरा दूसरी तरफ, जैसे ये लाइन है तो एक इसके इस तरफ तो दूसरा इस तरफ, तो अल्टरनेट का मतलब एक दूसरी तरफ, एक एक तरफ, तो ये अल्टरनेट एंगल। ये एक्सटीरियर बाहर की तरफ, मैंने बताया था एक्सटीरियर एंगल बाहर की तरफ यूँ होते हैं, तो एक इधर है बाहर की तरफ, दूसरा बाहर की तरफ इस तरफ है, तो ये आपस में एक्सटीरियर एंगल हो गए, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल्स के ये जैसे ये है, ये एक इधर बाहर की तरफ तो ये इधर, एक्सटीरियर एंगल को आप जेड से समझ सकते हो, जेड चाहे यूँ हो चाहे यूँ हो बाहर की तरफ, तो ये बाहर की तरफ, ये बाहर की तरफ, पहली चीज़। फिर है इंटीरियर, ये अंदर की तरफ के हैं तो ये जेड बनना चाहिए, ये और ये, अगर ये दो ट्रांसवर्सल हैं, जैसे दो लाइंस हैं, पैरेलल लाइंस हैं, मान लो ए बी एंड सी डी आर टू पैरेलल लाइंस, ई एच इज ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्टेड टू पॉइंट एफ एंड जी, तो कौन सा ए एफ जी एंड एफ जी सी आर इक्वल। अगर ए बी और सी डी पैरेलल हैं तो अल्टरनेट एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, और अगर अल्टरनेट एंगल्स इक्वल हैं तो लाइंस क्या होगी, पैरेलल होंगी। ये दूसरा इधर है तो ये इधर है, ये देख लो, ये इस तरफ है तो ये इस तरफ, और ये इस तरफ है तो ये इस तरफ, अल्टरनेट एंगल्स हो गए। तो ये अल्टरनेट एंगल्स का समझ, इफ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट, ये बाइसेक्ट नहीं लिखना है, क्या लिखना है, इंटरसेक्ट। अगर किसी ने गलती से ही बाइसेक्ट लिख दिया तो यहाँ पर गलत होगा, बाइसेक्ट का मतलब दो इक्वल टुकड़ों में बांटना। इफ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, ये अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होंगे, ये और ये लाइन पैरेलल हुई तो ये इक्वल होगा, ये और ये इक्वल होगा, ये एक्सटीरियर भी इक्वल होंगे, इंटीरियर भी इक्वल होंगे, अगर ट्रांसवर्सल टू पैरेलल लाइंस को काट रही। इफ अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल देन लाइंस आर पैरेलल, अगर ये अल्टरनेट एंगल्स इक्वल हैं, मान लो दे देवे, तो हमको पैरेलल लाइंस इक्वल हो जाए, वह पैरेलल, ये लाइंस पैरेलल हो जाएंगी, ये प्रूव हो जाएगा, ये इक्वल होते ही ये लाइंस पैरेलल हो जाएगी। इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इज इक्वल, ये चीज़ है। इफ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस ईच सच दैट अ पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स, पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल देन द टू लाइंस आर पैरेलल, ये चीज़ है। इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस सच दैट अ पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इज इक्वल देन द टू लाइंस आर पैरेलल, अगर अल्टरनेट एंगल्स इक्वल है तो। इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड, ये इंटीरियर की तरफ है, सेम साइड में है। देखो ये अगर लाइन पैरेलल है तो ए एफ जी और एफ जी डी इन दोनों एंगल्स का सम कितना रहेगा, 180। इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड, अंदर की तरफ है और ए की तरफ है इसी साइड में, तो इनको क्या कहेंगे, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड। ये भी इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, एक तरफ है, तो जैसे कि एंगल ए एफ जी प्लस एंगल एफ जी डी या डी जी एफ इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा, ए एफ जी और डी जी एफ 180 डिग्री होगा, लाइन पैरेलल है तो। और दूसरी चीज़ इसका उल्टा भी है, अगर देन, अगर ये इसका सम 180 डिग्री है देन ए बी पैरेलल टू सी डी होगा, और अगर इफ ए बी पैरेलल टू सी डी, अगर ये यूँ दे देवे ए बी पैरेलल टू सी डी तो क्या होगा, देन ए एफ जी प्लस डी जी एफ इज इक्वल टू 180 डिग्री रहेगा। देख लो, इफ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री का मतलब सम 180 डिग्री रहेगा। इफ
अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस सच दैट अ पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री देन द टू लाइंस आर पैरेलल। एक थ्योरम और बची है पैरेलल लाइन से, ए बी और सी डी अगर पैरेलल है, इफ ए बी और सी डी पैरेलल है और सी डी ई एफ के पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है, तो ये जो लाइन है ये भी आपस में क्या रहेंगी, पैरेलल रहेगी। सो ए बी पैरेलल टू ई एफ ये होगा। 6.6 लाइंस विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। कोई लाइन है, ये लाइन एल एम, ये एल एम के पैरेलल है और एन एम के पैरेलल है, तो एन और एल आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी। ये 6.6 थ्योरम है।